आदाब। भारत मुल्क में मुंबई, कोयम्बटूर, असम और कुछ राज्यों में बम धमाके हुए हैं। इंटरपोल का मानना है कि नॉर्वे में बम धमाका करके वहां से फरार होने वाला दहशतगर्द सुल्तान का इसमें हाथ है। सरकार सुल्तान की गिरफ्तारी की जद्दोजहद में लगी है। रियासत हैरर हिस्से में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कल राजमंदारी रेलवे स्टेशन पर शाम को 7 बजे बोकारो एक्सप्रेस में सवार होते वक्त 4 शख्स को शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सब सुल्तान के साथी दहशतगर्द हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम अशोक साहब। आप कैसे हैं जनाब? खैरियत है, शुक्रिया। तशरीफ रखिए जनाब। मिस्टर अशोक, इस फाइल पे एक नजर दौड़ा लीजिए। ये वेंकट रत्नम। यस। शपथ लेने के लिए हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में उनपे कहीं भी हमला हो सकता है, ऐसी खुफिया जानकारी मिली है। वेंकट रत्नम पर हमला करने वाला उनका कोई दुश्मन है क्या? नहीं, दहशतगर्द तंजीम है। दहशतगर्द और वेंकट रत्नम के बीच कोई ताल्लुक है क्या? हाल के रोज में ऐसा कुछ हो गया है जिस वजह से ये है। वेंकट रत्नम को मारने के लिए दहशतगर्द का इस्तेमाल कर रहा है ये सुल्तान। इसे देखते ही गोली मार देने का हुक्म हुआ है। ये रहा वो ऑर्डर। मैं ये कसम खाता हूं कि मैं इस मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए। आप शपथ लेने के लिए जा रहे हैं ना? दिल्ली के रियाया को समझ में आएगा आपकी जबान में? अच्छा, ये सलामती और खुद मुख्तारी क्या होता है? मैं मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए कसम लेने जा रहा हूँ। मेरी तकदीर लोगों ने क्या गुनाह किया है आपको वोट देने के अलावा? सही है, अगर वो वोट नहीं देते तो मैं वजीर कैसे बनता? इसकी खटारा गाड़ी की ऐसी की तैसी। अब वक्त क्या हुआ है भाईजान? 10:15। आप मर गए। क्या हुआ? मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। देरी होगी तो गुस्से में आकर मेरे तशरीफ पर लात मारेगी। क्या आप अपनी जीप्सी से मुझे बेगम बाजार तो छोड़ देंगे? तुम्हें बेगम बाजार जाना है तो मुझे बेगम पेट जाना है भाई। चलो चलो, जल्दी चलो। अरे आप खफा क्यों हो रहे हैं? चलिए चलते हैं। ये मेरी गाड़ी अब मेरा बोझ तो उठा नहीं सकती, इसका बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा। ये तो वेंकट रत्नम जिंदाबाद। 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 Thank you.
कोशिश है हथियार डालते हो या गोली मार दूं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मतलब हर दाने पर होता है खाने वाले का नाम, और मेरे पास दाना खाने के लिए अभी बहुत वक्त बचा है। ये गलत है, ये तुम्हारा वक्त नहीं है, बल्कि ये मेरी रिवॉल्वर से गोली निकालने का वक्त है। नहीं भाईजान, तुमसे पहले मुझे बहुत से पुलिस अफसरों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे साये तक को नहीं पकड़ पाए। अब वो कब्र में चैन की नींद सो रहे हैं। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने दहशतगर्द इस अशोक की गोली खाकर कब्रिस्तान में साथ ही लाशों के साथ बैठकर अपनी दास्तां बयां कर रहे हैं। खामोश, मैं हूँ सुल्तान। सुल्तान अकबर, सुल्तान जहांगीर, सुल्तान शाहजहां, सुल्तान औरंगजेब, उन सुल्तानों के मानिंद इस पूरे मुल्क पर हुकूमत करने का नसीब पाया है इस सुल्तान ने। ना, सुल्तानों की हुकूमत चली गई, फिर भी दोहरी ख्यालात वाले ही दहशतगर्दों से हाथ मिलाते हैं, वो लोग गद्दार हैं। तुम्हें अब कोई ताज नहीं मिलेगा, सिर्फ मौत ही मिलेगी। सबके पास 5 सेंस होते हैं, लेकिन मेरे पास 6 हैं। चाहो तो आजमा लो। रुक जाओ। अल्लाह ऐसे लिखते हैं, ब्रह्मा ऐसे लिखते हैं, यहाँ मरना नहीं लिखा है, तो तुम गोली कैसे मारोगे जनाब? ऊपर वाले ने तेरी मौत इस तमंचे से नहीं, मेरे इन हाथों से लिखी है। अच्छा, तो आजमा लो। अशोक बोल रहा हूँ। जनाब, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। जैसा आपने कहा था, सारे बंदोबस्त हो गए हैं। होशियार रहो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सभी जगहों पर तलाशी करो। सुल्तान किसी भी हाल में फरार नहीं होना चाहिए। जी जनाब। तुम ही मेरी रानी हो, मैं तेरा राजा हूँ। क्या हुआ? गले में इन्फेक्शन हो रहा है। तुम्हारा गला ही खराब है, तो उसमें इन्फेक्शन कैसे होगा? जनाब, आप जानकर भी अनजान मत बनिए जनाब। क्यों, नया टेंडर है क्या? टेंडर क्या जनाब, आपके आने से कब एक रोज सुअर, एक रोज हिरन और एक रोज खरगोश पका के खाते थे। आपके आने के बाद ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है जनाब। अगर आप इजाजत दे तो ये खरगोश पकड़ कर मसाला भर के खाएंगे जनाब। आपने जीप क्यों रोक दी? इंसान को काट कर बिरयानी बनाकर हजम करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तुम्हें भी उनके पास भेज दूँ? समझिए जनाब, आप कौन हैं? जंगल के रेंजर हैं, और मैं कौन हूँ? जंगल का चौकीदार। हमारे अलावा इस जंगल के उन जानवरों को खाने का अख्तियार और किसे है? यही बात मुझे समझाने के लिए दूसरे तरीके से बोलो। आप फॉरेस्ट अफसर हैं और मैं ठहरा चौकीदार। जानवरों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे अलावा और कौन करेगा? इसके लिए गाड़ी रोकने की क्या जरूरत थी जनाब? बिना रोके समझाता तो भी समझ जाते आप। अरे सुनिए, वो देखिए हिरन, बेहद खूबसूरत है। सुनिए, रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? हिरन को मत मारिए। गोली किसने चलाई? कौन है वहाँ? हेलो,
कौन हो तुम? जो फरार हुआ वो कौन था? कितने रोज से तुम लोग हिरन का शिकार कर रहे हो? कम ऑन, जवाब दो। घूर क्या रही हो? मुंह में जुबान नहीं है, गूंगी हो क्या? गूंगी हो तो क्या हम तुम्हें बख्श देंगे? चलो कम ऑन, चल, तेरी अब डिंग डोंग है। इनका अंदाज देखिए, जैसे निकाह की हुई बीवी की तरह बैठी हुई है मोहतरमा। क्यों जी, हम लोग तो मिर्च मुंह से चबाते हैं, लेकिन आप निगाहों से चबा लेंगे क्या? या खुदा, ये आयरन मैन की बहन लग रही हैं। इनके बैठते ही टायर पंचर हो गया जनाब। हे, तुम खामोश रहो और जाके टायर बदलो। ठीक है जनाब, ठीक है। अब पता नहीं क्या होगा, आज का दिन ही खराब है जनाब। नो स्टेपनी जनाब। या खुदा, ऐसा करो तो बेहतर होगा जनाब। आप टायर ले जाके पंचर बनवा कर आइए, तब तक इस खूबसूरत बला को मैं हिलने नहीं दूंगा यहाँ से, क्योंकि इस जंगल के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ जनाब। ये समझाने के लिए दूसरे तरीके से बोलो। क्या बोले जनाब? इस टायर को मैं अपने कंधों पर उठाकर जंगल से बाहर पंचर बनवा कर लाऊं और आप इस खूबसूरत बला की हिफाजत करेंगे, यही तब्दीली है। तो सोच क्या रहे हो, फौरन जाओ। ठीक है जनाब, तो निकल जाते हैं। नहीं, टायर निकालना है। लड़की को तनहा छोड़कर जंगल से तुम फरार होकर आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन हिरन मारने की कैसी आदत है बेटा? हीरो हो या मंत्री, लोग बेइज्जत कर देते हैं। इसे अखबार वाले मुद्दा बनाएंगे और इन मुद्दों को कल असेंबली में तुम्हारे नाम पर माइक फेंक कर अपोजिशन वाले हंगामा करेंगे। ब्याह हुआ नहीं, तुम क्यों दुल्हन की तरह सर झुकाकर खड़े हो बेटा? पहले उस फॉरेस्ट ऑफिसर को मामला दर्ज करने से रोको। अगर रेणुका ने FIR पर दस्तखत कर दिया तो तुम्हें कैद खाने की हवा खानी पड़ेगी, तुम जाओ। सुनो, मुलाजिमों को साथ लेकर जाओ। पहले प्यार से समझाओ, फिर पैसे से समझाओ, फिर भी राजी ना हो तो काबिलियत दिखाओ, लेकिन मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। वो मारा जाए तो भी ठीक है अब्बू। सांप दिखा तो जुबान खुल गई, और हिरण को मारने के बाद तुम्हारी जुबान बंद हो गई थी। हाँ, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? गूंगा बनने का ड्रामा क्यों कर रही थी, बताओ? मेरा नाम रेणुका है, मुराई गोडन में मेरे रिश्तेदार रहते हैं। आखिरी बस निकल गई, एक शख्स जीप से जा रहा था, मैं उसके साथ बैठ गई। वो हिरन को मारने वाला है, इसका इल्म नहीं था। गोली की आवाज सुनकर मैं जीप से उतरकर फरार हो गई। गोली मारकर जो फरार हुआ उसका नाम क्या है? अरे अरे, ये बंदूक तुम्हें मारने के लिए नहीं दिखाई, चलो उठो। मैं उठ नहीं सकती। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है, ताकत नहीं है, ताकत खत्म हो चुकी है। तुम तो बेहद ड्रामेबाज हो। मैंने कल रात को खाया था, खाने वास्ते कुछ मिलेगा क्या? ऐसा लग रहा है कि भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। कहाँ जा रहे हैं जी? वाह जी वाह, शाम को घर से बाहर जाने वाले शौहर की बीवी की तरह बोल रही हो। कुछ खाने को लाता हूँ, यहाँ वहाँ कूदना नहीं, नहीं तो जानवर तुम्हारा शिकार कर लेंगे। क्या जबरदस्त अदाकारी की मैंने, ये लड़का तो फंस गया। बहुत खूब। हेलो मंकी जी, मुझे प्यास लगी है, मुझे भी अपने साथ जरा पीने दोगे? अच्छा, अच्छा। ये क्या, इस पेड़ का पानी बहुत खट्टा लग रहा है। अरे धीरे धीरे चल मेरी टायर रानी, धीरे 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 धीरे। अरे लेवल तो बढ़ गया जनाब। बकवास मत करो, जल्दी से टायर बदलो, अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। वो आ गए। वो जीप में फरार होने वाला यही शख्स था ना? ओहो, सिर्फ ड्रामेबाजी नहीं हो तुम, अफसाना सुनाने वाली अफसाना निगार भी हो। रेनु, यहाँ आओ। नहीं, हिरन को मारने वाला जब तक गिरफ्तार नहीं होगा ये कहीं नहीं जाएगी। ऐसी बात है, हिरन को मारने वाला ये है, चाहो तो केस दर्ज कर लो। क्यों, तुमने हिरन को मारा है ना, बोलो। मैंने ही मारा है जनाब। किससे मारा तुमने, डबल बैरल गन से क्या?
वो क्या होता जनाब? जिसे ये भी इल्म नहीं कि बंदूक क्या चीज होती है, उसे फंसाकर खुद को बचाना चाहते हो? कानून की बात छोड़ो और कितने पैसे चाहिए बताओ। जिस हिरण को तुमने मारा उसकी जान चाहिए, दे सकते हो क्या? तड़प तड़प कर मरिए वो, उस बेजुबान जानवर के आंसू की कीमत दे सकते हो क्या? दे सकते हो? जमीन पर बहे खून को इकट्ठा करके दे सकते हो क्या? दे सकते हो? ये काम तुम नहीं कर सकते, शराफत से जनाब से माफी मांग लो। शहर में इंसान को मारना मुश्किल है, लेकिन जंगल में मारना बहुत आसान है। मार कर जानवर पर इल्जाम भी लगा सकते हैं। देख क्या रहे हो, मारो इसे। चुप, अभी तो गुंगी की तरह वैवे वैवे कर रही थी, अभी उसे कैसे पुकार रही है? सुनिए सुनिए सुनिए। चुड़ैल की मानी लग रही हो, तुम्हें देखकर मैं खौफ ज्यादा हो रहा हूँ। जाओ जाकर नहालो, बदबू आ रही है। गुसल खाना कहाँ है? क्या कहा? यहाँ पर गुसल खाना नहीं मिलेगा, नजदीक में ही झरना है, चलो वहाँ साफ कर लो। चलो बेहद खूबसूरत है, ये कितना गहरा होगा? मैं कभी कूदा नहीं, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, तुम कूद जाओ। मगरमच्छ होगा। चलो जाओ। आप लोग यहाँ हैं? मैं तो घबरा के पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। अरे मैं, तो तुम आ गए? हाँ आ गया जनाब, आ गया। मैं पूरे जंगल में पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन आप लोग तो यहाँ हैं। आहा, मोहतरमा मस्ती से नहा रही हैं और आप यहाँ बैठकर मजे ले रहे हैं। जनाब जनाब, ये कपड़े कितने गंदे हो गए। आप एक काम कीजिए, अभी आप शहर जाकर स्टोर से अपने लिए पैंट कमीज और मोहतरमा के लिए साड़ी लेकर आइए। जनाब ये समझाने के लिए तुम दूसरे तरीके से बोलो। आप यहाँ मोहतरमा की खूबसूरती का लुत्फ उठाइए और मैं पागल शहर जाकर आपके लिए पैंट कमीज और उनके लिए खूबसूरत सी साड़ी लेकर आता हूँ। खूब, तो आप खड़े क्यों हो? जाता हूँ जनाब। हम्म,
ऐसे क्यों घूर रहे हो? और तुमने कमीज क्यों उतारी? अरे तुम कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती हो क्या? मैं इस जानी मुड़कर कमीज उतारता हूँ, तुम उस जानी मुड़कर अपना टॉप उतार लो। सर्दी लग रही है, कब तक ऐसे ही रहना पड़ेगा? जब तक कपड़े सूख नहीं जाते तब तक तुम इसे पहन लो और अपने कपड़े सुखा लो। ऐसे देखोगे तो मुझे शर्म आएगी, चलो। अगर हकीकत में तुम्हारा ख्याल है कि मैं मदद कर रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी चाहिए। क्या करना है? बस ये बता दो तुम्हारा बाबू कहाँ है। बाबू, बाबू, ये क्या हश्र हो गया है? इतनी कम उम्र में तुम अपना पैर गवा दोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? अभी पैर कहाँ मिलेंगे बाबू? उस शेर ने तुम पे वार किया तो हमारे जनाब ने आकर तुमको बचा लिया। शेर, शेर। इस FIR पर दस्तखत करो कि उस हिरन को तुमने ही मारा है, नहीं तो मैं उस शेर को छोड़ दूंगा। दस्तखत कर दो, पंगा मत लो, अभी तुम्हारा आधा हिस्सा बाकी है, उसे छोड़ दिया तो और छोटे हो जाओगे जनाब। शहर में इंसान को मारना मुश्किल है लेकिन इस जंगल में नहीं, यहाँ जानवर पर इल्जाम लगा सकते हैं। मरने से बेहतर 2 साल के कैद की सजा काटना है, मेरी बात मानो, दस्तखत कर दो। दस्तखत करो, कर दो, करो। हाँ शुरू हो जाओ। हाँ मेरा पैर ठीक है, अरे मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। ए तुम दोनों धोखेबाज हो, धोखेबाज हो, तुम दोनों धोखेबाज हो। शुक्रिया। हट जा। रेणुका, ये कौन है, कैसा आदमी है, ये सब मैं नहीं जानता। मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये आदमी कहाँ से आया है। ए मिस्टर, तेरी हिस्ट्री निकलवा कर तुझे सबक सिखाऊंगा मैं। मुझे कब तक ऐसे ड्रामा करना होगा? आपसे, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप जो खाना खिलाते हैं उसके लिए मैं घर पे ही पड़ी रहूंगी। हर 3 महीने में आप अपना हुलिया बदल देते हैं, जब जी में आता है जानवर की तरह अपनी प्यास बुझा लेते हैं। आप मुझे शादी के मंडप से उठा लाए और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे मैं ये नहीं जानती थी। मैं मां ना बनूं इसलिए आपने मुझे हामिला नहीं होने दिया। मैं अपने बच्चे की अम्मा हूँ, दुनिया के सामने ये कहने का हक नहीं देना चाहते हैं क्या? तुम मेरी बीवी हो ये बाहर पता ना चले, इसीलिए यहाँ मकड़ी के जाले की तरह तुम महफूज हो। जिस वक्त दुनिया को यह खबर होगी कि तुम मेरी बीवी हो तो उसी वक्त। क्यों इस तरह के पागलपन वाले सवाल करती हो? इस सुल्तान के मुतालिक अच्छे से जानने वाली तुम ही हो, किसी भी रिश्ते नाते से मैं वाकिफ नहीं हूं। ये सबसे जाकर कह दो, मैं पैसे के लिए मरूंगा भी और मारूंगा भी। कौम ना बदल कर मैंने अपना काम बदल दिया, जानती हो क्यों? सुल्तान के माफिक जीने के लिए। हाँ मैं बादशाह हूं। ए नूर, बेटी, उसे इस तरह हैवान बनाने वाली गुनाहगार मैं ही हूँ बेटी। अपनी दुश्मनी का इंतकाम लेने के लिए मैंने उसकी कुर्बानी दे दी। सोचा कि सांप को पाल रही हूँ, मगर वो सांप तुझे डसेगा। मैं नहीं जानती थी उसके वालिद कम्मम जिला में रहने वाले किसानों को डरा कर उनकी जमीन हड़पने वाले जमींदारों पर हमला किए। जब दहशत गर्दों को मालूम हुआ कि पुलिस बंदूकों के साथ जमींदारों की मदद कर रही है तो उन्होंने उन पर हमला किया। गुस्से से उनके ऊपर हमला होने की वजह से पुलिस वाले भाग गए, लेकिन CI की गोली से मेरे शौहर जख्मी हो गए। अपनी बेइज्जती सहन ना कर पा रहा जमींदार
गुस्से से बौखलाया हुआ था। 11 लोग हमें सुकून से सोने नहीं दे रहे हैं। इस ख्याल से उन्होंने पुलिस वालों को धमकी दी और सीआई पर दबाव बनाया कि किसी भी तरह मेरे शौहर को पकड़कर जमींदार को सौंप दे। किसी भी तरह मेरे जख्मी शौहर दवा की दुकान पर दवा लेने आएंगे, इस ख्याल से पूरी साजिश की गई। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में मेरा बेटा आ गया। बता, बाकी के 10 लोग कहाँ हैं? मेरे मरने के बाद तुम्हें मारने के लिए उन लोगों को जिंदा रहना चाहिए। भले ही जान चली जाए लेकिन नहीं बताऊंगा। मेरे बेटे को कुछ मत करो। छोटे बच्चे को मार कर क्या फायदा? इसके शौहर के सामने ही इसकी आबरू लूट लो। जमींदारों के खिलाफ जाने का अंजाम ये होता है। तुम्हारा शौहर पुलिस के हमले में मारा गया, यही बोलना, नहीं तो ना तो तू जिंदा रहेगी ना तेरा बेटा जिंदा रहेगा। मेरे शौहर को मारकर मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया था उन लोगों ने। इंतकाम के लिए मैंने अपने बेटे को ही हथियार बना दिया। तरह से मैंने उसे बचपन में ही कातिल बना दिया। पुलिस और जमींदार का नाम सुनते ही उसे नफरत होने लगी। जंगल में सर्दी से बचने के लिए आग जलाने पर पूरे जंगल में ही आग लग जाएगी, इसका मुझे इल्म ना था। और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। मेरा बेटा भी उग्रवादी बनेगा बजाय इसके कि वो दहशतगर्द बन गया। उसे वापस इंसान बनाना नामुमकिन है। तुमसे निकाह करके उसने मुझे भी नौकरानी बना दिया। पता नहीं और कितनों से निकाह किया होगा। मामूजान, हम यहाँ आपसे दुआएं खैर लेने आए हैं। मामूजान, मेरे बेटे को गिरफ्तार करवाने वाले के साथ मंगलसूत्र बंधवाकर यहाँ आकर मुझसे दुआएं खैर मांग रही हो? तुम्हारी बेटी को क्या जवाब देना तुम्ही देखो। जाने दीजिए ना, माफ कर दीजिए उसे। क्या माफ कर दूं? तुम मेरी बहन हो इसलिए? मैंने तुम पर रहम किया तुम्हारे शोहर के इंतकाल के बाद। तुम यहाँ अपने भाईजान के पास आई तो मैंने तुम्हारा तुम्हारी बेटी की देखभाल की, मैंने उसे तालीम हासिल करवाई, उसके बदले में ये तोहफा मिला। अब ये कयामत तक ना भूलने वाली बात हो गई है। सुनिए जनाब, आप गलत करने वाले का साथ दे रहे हैं, इससे आपकी सीरत पता चलती है। मैं बेफिजूल सड़क पर घूमने वाला कोई आवारा इंसान नहीं हूँ, एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मैं सिर्फ इसे ही नहीं सासू अम्मा को भी खिला सकता हूँ। अम्मा जी चलिए। चलिए अम्मी। जाना चाहती हूँ, जाओ। जिसने तुम्हें आसरा दिया उस भाईजान के साथ रहोगी या अपने दामाद के सामने हाथ फैलाओगी, तुम्हारी मर्जी। मैं यहीं रहूंगी भैया। सुनो रेणु, ये गुड़िया खरीद ले। 2 साल बाद खरीदेंगे। 2 साल बाद क्यों? जब हमारा एक छोटा सा बच्चा हो जाएगा। तो फिर 2 साल तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा? अहमक कहीं के, आप कुछ नहीं जानते। अगर ब्याह होते ही बच्चा हो गया तो शौहर को मिलने वाली मोहब्बत बच्चे को चली जाती है। मैं ताउम्र सिर्फ आपसे ही मोहब्बत करना चाहती हूँ। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बीवी को क्या तोहफा दूँ? वही हुलिया बदलेंगे क्या? घर चलो, वही हुलिया बदलेंगे। छोड़िए, खरीदारी हो गई इतनी जल्दी? सोचा था अमेरिका में ऐसा होता है, नकली बंदूक दिखाकर यहाँ पर भी लूटते हैं। नकली नहीं है, ये असली रिवॉल्वर है। कम ऑन, मूव। सुनिए, सुनिए।
हैं आप लोग? और ये सब क्या है? वो अपने शौहर को ही अपनी दुनिया समझकर चली गई। अब तक उसने अपनी माँ के खैरियत जानने के लिए एक फोन तक नहीं किया। तुम उसकी फिक्र में परेशान हो जा रही हो, जिस तरह अपने शौहर का भूल गई हो उसी तरह उसे भी भूल जाओ। मैंने सोचा तुम घर का पता भूल गई हो, शायद तुम्हें याद आ गया। गुस्से में चली गई थी, अब क्या मुंह लेकर के आई हो? मामू जान बुलाने का हक मेरी भांजी को था, उससे निकाह करने के बाद तुम मेरी भांजी नहीं हो। जनाब, हमारे साहब दोरों से नजर नहीं आ रहे हैं। मेम साहब बेहद परेशान हैं। सुपर बाजार से उन्हें कोई लेकर गया था, अब तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। आप किसी आला अफसर को फोन कर देंगे तो? फोन? मेरे बेटे को कैद खाने भेजा, उसकी लानत उसे बख्श देगी क्या? निकाह करने से पहले लड़के के बारे में पूरी मालूमात होनी चाहिए, हमने ऐसे नहीं कहा था। मोहब्बत के मारे बंदर के हाथ में नारियल के जैसे होते हैं। जिस इंसान का पता ना हो उसके साथ निकाह कर लिया है तो अब सहना होगा। बस कीजिए मामू जान, मैं अपने इज्जत नफ्स को भूल कर यहाँ आई हूँ। सबक सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद आपके दरवाजे पे कदम तक नहीं रखूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। खुदा हाफिज। Hey, ऑफिसर, मैंने क्या गुनाह किया है जो मुझे इस कदर परेशान कर रहे हो? मैं कोई बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, डाकू हूँ? हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा ये ड्रामा देखकर। नहीं, ये कोई ड्रामा नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो? तुम्हारे फेंके बमों से चिथड़े हुए उन लाशों से जाकर पूछो क्या तुम बेकसूर हो। तुम्हारे हाथों से मरने वाले लोगों की बीवियों से पूछो, जिनको तुमने बेवा बना डाला, क्या तुम बेकसूर हो? आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम एक आतंकवादी सुल्तान हो। मैं सुल्तान नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। शहर दर शहर बदलते रहना, अपना खुलिया बदलते रहना, गिरगिट की मानंद अपना रंग बदलते रहना, यही है तुम्हारी जिंदगी। सुनिए जनाब, आपने मुझे गिरफ्तार किया, इसका अफसोस होगा आपको। नहीं, मुझे फख्र होगा। आपने एक फॉरेस्ट ऑफिसर को गलत तरीके से गिरफ्तार किया, इसके लिए हमारा महकमा आपको नहीं बख्शेगा। अदालत के चक्कर लगवा कर आपको नौकरी से बर्खास्त करवा देगा। फिर चाहे कितनी भी मशक्कत कर लें, आपको नौकरी हासिल नहीं होगी। मुझे मेरी नौकरी की कोई फिक्र नहीं है। अगर तुमने इकबाले जुर्म नहीं किया तो तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं रहेगा। अगर असल मर्द है तो सबको बाहर भेजिए और दरवाजा बंद करके ताला लगाकर मेरी हथकड़ी खोल कर देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि असल मर्द कौन है। अभी तक तुमने लाठी की मार खाई है, इसलिए तेरी हड्डियां सलामत हैं। मेरे हाथों की मार से तेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, याद रखना। मुझसे जुबान नहीं लड़ाना, जो हकीकत है उसे पता लगाने के लिए तुझे जिंदा रखना जरूरी है। रुकिए, रुकिए जनाब। रुकिए, रुकिए। जनाब, उस गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी। शौहर कहाँ है? कौन है आप? मेरा नाम रेणुका है। सुपरमार्केट से मेरे शौहर पृथ्वी को लेकर गए थे आप। देखो मोहतरमा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। पृथ्वी कौन है वाकई में मुझे कोई इल्म नहीं। सुपरमार्केट से मेरे शौहर को आपने ही अगवा किया। बकवास है ये। मेरे शौहर को आप क्यों लेकर गए नहीं बताएंगे तो मैं अभी बताती हूँ बकवास क्या होता है। अभी तक औरत समझकर पूरी इज्जत से बात कर रहा था, ये बताओ तुम्हारा शौहर कौन है? मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? होशियार। Thank you.
शेर की मानिंद दहाड़ मार मार कर गला सूख गया लगता है। क्यों सही कहा ना मैंने? झूठ को हकीकत में बदलने वाले पुलिस वाले से जुबान लड़ाना बिना सलाह के लड़ाई लड़ने जैसा है, इस ख्याल से मैंने खुद ही बात करना बंद कर दिया। बात करना बंद कर दिया? तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए, अपने गांव का नाम बताना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं नरसापुर का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। मेरे हाथों से बचकर फरार हुए उसके दूसरे ही रोज तुम फॉरेस्ट अफसर बन गए। तुमने सोचा कि सरकार से बचने के लिए सरकारी अफसर बन गए तो बिल्कुल महफूज रहोगे। नरसापुर के फॉरेस्ट अफसर बने हो ना, ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर, जवाब दो। श्री कृष्ण ने जब हिदायत दी तो अर्जुन को इल्म हासिल हुआ। अब आपको कैसे इल्म होगा कि मैं ही पृथ्वीराज हूं? ये तुम्हारी तस्वीर नहीं है, यह है डॉक्टर प्रताप, यह है इंस्पेक्टर आजाद, यह है साइंटिस्ट जगत। ये वेंकट रत्नम का कत्ल करने के लिए मेरे सामने आए थे और अब तुमने नरसापुर में फॉरेस्ट अफसर बनने का हुलिया अपना लिया है। मुझे लगा था कि आप नहा कि मेरे पीछे पड़े हो, लेकिन अब मुझे इल्म हो गया कि कोई और मेरे जैसा दिखता है। अब उसी गलतफहमी में आपने मुझे गिरफ्तार किया है। जानता हूँ रेणु का कौन है। अब रेणु? हाँ, रेणु। मेरी बीवी। अब मेहरबानी करके उसे परेशान मत करना। मुझसे मोहब्बत करके निकाह किया उसने और अपनी वालिदा और मामा से जुदा हो गई। वो ये सोचकर परेशान हो रही होगी कि मैं कहाँ हूँ। बस एक मर्तबा मेरे जिंदा होने की खबर मेरी बीवी को दे दीजिए। पहले ये बताओ कि इस शहर में तुम लोगों का अड्डा कहाँ है, फिर मैं खबर दूंगा। अब मुझे इल्म हो गया कि आपको पागलपन का दौरा पड़ा है। दौरा मुझे नहीं पड़ा है, अब तुम्हारा पागलपन दूर करने के लिए लाठी से समझाना होगा। जनाब, आपके बीवी बच्चे नहीं है, वालदेव नहीं है, आप में इंसानियत नहीं है। जनाब अशोक, जिन पेपर्स को आप तलाश रहे हैं कहीं वो ये तो नहीं? आपने इनके शौहर के साथ जो कुछ भी किया है वो सरासर गैर कानूनी है और हमारे पास इस बात का सबूत है। उस खत और फाइल से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो फिर इसका किससे वास्ता है बताइए? किसी और अफसर का। और वो अफसर कौन है? ये खुफिया जानकारी है, साझा नहीं कर सकता। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ये है कोर्ट का हुक्म। आपको मुझ पर यकीन नहीं है लेकिन मुझे आप पर यकीन है, शौक से कीजिए। इंस्पेक्टर, पूरे घर में कहीं नहीं मिले जनाब। ठीक है चलो। अब तुम्हारा शक दूर हुआ? नहीं, यकीन हो गया। खुदा जमीन पर आकर कहेंगे फिर भी नहीं मानूंगी। मेरी आंखें मुझसे दगा नहीं कर सकती। मेरे शौहर को आप ही लेकर गए थे। मैं देवी सावित्री की तरह कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे कानून और इंसाफ पर यकीन है, वही मेरे शौहर को मेरे पास लाएगा। तुम कामयाब हो। पृथ्वी को रिहा करो, पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा। इंसाफ को, इंसाफ को, इंसाफ को, इंसाफ को। पृथ्वी को रिहा करो, पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा। पृथ्वी को रिहा करो, पृथ्वी को रिहा करो, पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुलिस ने आपके शौहर को गिरफ्तार नहीं किया, फिर भी आप धरना क्यों दे रही हैं? पुलिस ने कभी कुछ बताया है? मंदिर से कितना सोना मिला उसकी हकीकत बताई? कोई दहशतगर्द मारा गया तो वो एनकाउंटर था या भगाकर पीछे से गोली मारी गई बताया? आपकी बातें दहशतगर्दों वाली ही लग रही हैं। आपके शौहर को पुलिस बेवजह गिरफ्तार करके छुपा के रखेगी तो आप मुझसे ज्यादा बोलेंगी मोहतरमा। ये बताइए आप चाहती क्या हैं? CBCID पर मुझे यकीन नहीं है, इसलिए मैं CBI से तहकीकात चाहती हूं। अभी यहां पर 50 से 100 औरतें नजर आ रही हैं। अगर 48 घंटे में इस मसले का हल नहीं निकला तो मुल्क की सभी महिला मंडल एहतजाज करेंगी। हमारे मुतालिबात। Yes. जनाब, CBI अफसर मुस्तफा साहब आए हैं। आदाब जनाब। आदाब मुस्तफा जनाब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। जब हम जबां हैं तो दूसरी जबान क्यों जनाब? माफी चाहूंगा, दिल्ली में हूँ तो हिंदुस्तानी में ही बोलना होगा ना। हाँ, हैदराबाद CBCID से आई हुई फाइल है, जरा एक बार देख लीजिए। सुल्तान के मुगालते में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उसकी बीबी सेक्रेटेरिएट के सामने एजिजाज कर रही है। सेशन शुरू होने वाला है, पार्लियामेंट हिल जाएगी।
हैदराबाद में गिरफ्तार शख्स सुल्तान है या नहीं इसके पूरे मालूमात मुझे 48 घंटों में। जनाब, हमारी खुफिया जानकारी के मुताबिक सुल्तान इंडिया में है ही नहीं। फिर वो कहाँ है? चीयर्स। आप दोनों बाहर जाइए। क्यों क्यों? सुल्तान, हुकूमत करने के लिए कुर्सी चाहिए, ना कि शबाब और शराब। तुम पागलों की तरह पीते जा रहे हो। बादशाह के ये सब शौक होते हैं, जितनी लड़कियों से मोहब्बत करता है उतना ही मशहूर होता है। लेकिन हुकूमत करने के लिए आपको जिंदा भी रहना चाहिए। आप इस शराब के चक्कर में किसी रोज गिरफ्तार हो गए तो है? मुझे गिरफ्तार करने वाला हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। कभी कभी मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि मेरा जिस्म मेरे साथ है या नहीं। आपके पास आपकी हिम्मत है तो हमारे साथ हमारा डर है। आपको भारत का सुल्तान बनाने के लिए हैदराबाद को मरकज बनाकर इंडियन आर्मी के सभी ठिकानों पर मिसाइल से निशाना लगाकर एक सेकंड और सब खत्म। नहीं, आप चाहे जितने लोगों को मारने का हुक्म दे चलेगा, जंग कोई गुनाह नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क की एक इंच जमीन भी तबाह हो मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ। तुम्हारी बात सही है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें ताज पहनाना चाहता हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत तुम्हारे सीने पर गोली दागना चाहती है। ये सब आपकी उलझन और खौफ है। नहीं, ये देखो, हिंदुस्तानी हुकूमत ने तुम्हें गिरफ्तार करने का काम इस CBI अफसर को दिया है। इसका नाम क्या है? मुस्तफा। मुस्तफा, अब तुम हो जाओ सफा। सुनिए जनाब, क्या आपके पास लाइटर है? जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अशोक बोल रहा हूँ। दिल्ली से मुस्तफा बोल रहा हूँ। आदाब मुस्तफा साहब, कैसे हैं जनाब? अभी बम धमाके से बच के बाहर निकला हूँ। क्या? जी, मेरे सामने सुल्तान बम फेंककर फरार हो गया। बहुत लोग हलाक हुए हैं, पर कितने जख्मी हुए हैं मालूम नहीं। सुल्तान मेरी गिरफ्त में है तो वहाँ बम कैसे फेंक सकता है? कुछ गड़बड़ है, मैं आ रहा हूँ। बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया जाता है, तो क्या तुम भी मुझे उसी तरह तैयार कर रहे हो डॉक्टर? ये मेरा पेशा है। यहाँ अपनी जिम्मेदारी समझने वाले बहुत कम लोग हैं। सिखाऊंगा, मैं सबको सबक सिखाऊंगा। आपका शक खत्म हो गया क्या जनाब मुस्तफा? बढ़ गया। क्या? जी हाँ, एक बेगुनाह को परेशान करने के लिए आप पे मुकदमा दायर करूंगा। आपने ये गलत किया है जनाब मुस्तफा। मैं आंध्रा का अफसर हूँ और आप दिल्ली के अफसर हैं। कहते हैं कि CBCID और CBI के बीच सास बहू जैसे रिश्ते हैं,
आप इसे हकीकत में साबित करना चाहते हैं क्या? नहीं जनाब अशोक, ये सुल्तान नहीं है। मैंने सुल्तान को करीब से देखा है। मैंने भी सुल्तान को काफी करीब से देखा है। मैंने भी सुल्तान की आंखों में शेर की ताकत देखी है, और वही ताकत मैंने पृथ्वी की आंखों में भी देखी। अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको सुल्तान का खौफ है, बीवी बच्चों का ख्याल आ गया, तो दहशतगर्द से क्या उलझना ये सोचकर इस केस से बचना चाहते हैं आप, यही हकीकत है ना? अहमको जैसी बातें मत कीजिए। सुल्तान ने मुझे खत्म करने के लिए बम फेंका था, उस हादसे से बच के मैं पृथ्वी को बचाने आया हूँ। यहाँ तशरीफ लाए आपको 5 मिनट भी नहीं हुए, फिर पृथ्वीराज वो नहीं है ऐसा आपने कैसे समझ लिया? हिटलर अपनी तरह 3 हमशक्लों को हमेशा अपने साथ रखता था, जानते हैं क्यों? क्योंकि दुश्मन उसे हिटलर समझकर मार देंगे। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, समझ गया, वो पकड़ा गया इसीलिए उसके हमशक्ल ने दिल्ली में बम फेंक कर ये पूरी तरह से यकीन दिलाया कि सुल्तान दिल्ली में ही है, और आपने यकीन कर लिया। आपसे बहस करना बेकार है, वजीर दाखिला ने यह मामला मुझे सुपुर्द किया है, मुझे मुनासिब कार्रवाई करनी है। इसका ताला खोलिए, रिहा कीजिए। ताला नहीं खुलेगा, इसे रिहा करने का हुक्म नहीं है। अभी मैं वजीर दाखिला को कॉल करके आपको बर्खास्त करवाऊंगा। मैं वजीर आजम को कॉल करके रीअपॉइंटमेंट ऑर्डर हासिल करने की कोशिश कीजिए जनाब अशोक, ये सुल्तान नहीं है, ये पृथ्वीराज है। नहीं नहीं, ये सुल्तान है। नहीं, ये सुल्तान का हमशक्ल है। जनाब आपने सही फरमाया। खामोश, सुल्तान की तरह कैसे होगा? उनकी शक्ल मिलती है क्या? ये दोनों जुड़वा है क्या? ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं, ले आओ उन्हें। अम्मा। बेटा पृथ्वी। प्यार मोहब्बत बाद में, ये तुम्हारा बेटा है क्या? जी जनाब। ये इकलौता है या आपके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे? बोलिए मोहतरमा, आपका बयान ही इसका मुस्तकबिल तय करेगा। नहीं, पृथ्वी इकलौता बेटा है। बस हो गया, इन्हें लेकर जाइए। चलिए जी। अशोक साहब, किसी न किसी रोज हकीकत सामने आएगी, तब मैं हवालात से बाहर होऊंगा और आप सलाखों के पीछे। अब तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे सामने ही वो जहन्नुम की सजा काट रहा है, तुम्हारे बयान से बच जाएगा, वाकिफ थी तब भी छोड़कर आ गई। अगर तुम कह देती वो जुड़वा बच्चों में से एक है तो बेकसूर साबित होकर रिहा हो जाता। अगर कहती कि जुड़वा बच्चों में से एक है तो वो सवाल करते कि दूसरा कहाँ है, तब दुनिया को खबर हो जाती कि वो दोनों मेरे बच्चे नहीं है। अगर नहीं कहोगी तो पृथ्वी को सजा हो जाएगी सरस्वती। वो सुल्तान नहीं है मालूम होते ही उसे रिहा कर दिया जाएगा, फिर वो अपनी असल वालिदा को ढूंढने जाएगा। मैं अशोक, CBCID। मैं मुस्तफा, CBI। मैं चक्रधर राव, रिटायर्ड मिलिट्री अफसर। आपने जो बातें कही वो हकीकत है, पृथ्वी हमारी औलाद नहीं है। कमाम नगर जिले में एक छोटे से गांव पलेटू में पैदा हुआ गरीब का बच्चा है। हमारी औलाद नहीं होने की वजह से जुड़वा बच्चों में से एक के लिए 1000 देकर गोद ले लिया था, वही वो पृथ्वी है। हम उसके सगे वालदेन नहीं हैं, लेकिन मिलिट्री के डिसिप्लिन से हमने उसकी परवरिश की है। जनाब अशोक, अब पृथ्वी पे यकीन करके उसे रिहा कर दीजिए। रिहा नहीं करूंगा। इतनी बातें होने के बाद भी आपको यकीन नहीं हुआ क्या? मुझे यकीन है। फिर उसे रिहा करने में क्या परेशानी है? सुल्तान को गिरफ्तार करने के लिए हमें पृथ्वी की शक्ल में एक हथियार मिला है। आपने उसे हवालात में डालकर बहुत बड़ी सजा दी है, इस बात को लेकर वो आपसे बहुत खफा है। आपको उम्मीद है कि वो आपकी मदद करेगा? कोई बात नहीं, आपकी मदद ही करेगा। हिरासत में लीजिए, ये नेक काम आप ही कीजिए। नहीं भाईजान, नहीं, मेरे बेकसूर बेटे को दोबारा हिरासत में मत रखिए। नया करके मेरा बेटा मुझे वापस कर दीजिए। नहीं, उसे ले जाइए। ये क्या कह रहे हैं? सरस्वती, सरहद पर जब मेरा पैर कटा था तो मैंने अपने सीनियर अफसर से क्या कहा था जानती हो? पैर कट गया तो क्या हुआ, जान तो अभी बाकी है, मैं अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। लेकिन वो राजी नहीं हुए। अब हमारे बेटे को मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिला है, उसे जाने दो। जनाब ले जाइए। अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारी हैसियत देखकर अपने घर की बहू बनाना चाहते थे क्या? मेरे पास क्या कमी है? हाँ बताओ। पता है मेरी सहेलियां मुझसे क्या कहती है? क्या? शादी की पहली रात तुम्हारा हुस्न देखकर हाँ? तुम्हारे शौहर तुम्हारे कब्जे में आएंगे, देख लेना। ओहो, तो तुम्हारा जिस्म इतना खराब है क्या? आप देखिए क्या हश्र करती हूं। अरे रुक जाइए। अरे रुको रुको। अरे अरे रुकिए।
अरे अभी बताती हूँ। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था और तुम संजीदा हो गई। ऐसा भी कोई मजाक करता है? ऐसे क्यों घूर रहा है? हम फंस गए। अब 10 रोज तक इसे खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हमें मार देगा ये? हम मिलेंगे तब ना। अरे अभी नीचे नहीं उतरना चाहिए, कुछ देर बाद वो खुद ही चला जाएगा। ऐसा लगता है ये भालू कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। ये एक हफ्ते तक हमारा इंतजार करेगा। हाँ, इससे बचने का अब एक ही तरीका है, इसे अपनी कमीज देता हूँ। क्यों देख रहा है? ये मर्द और औरत में फर्क नहीं जानता। इसे सुर्ख रंग से चीड़ होती है। जैकेट उतार कर फेंक दो। मैं नहीं उतारूंगी। अरे चलो जल्दी उतारो, यहाँ कौन है देखने वाला? आप नहीं है क्या? मुझे शर्म आ रही है। अरे ये खत्म कर देगा हमें, मेरी बात मान लो तुम। जैकेट उतार कर दे दो इसे। उतारो उतारो। अब आग बंद कीजिए, उसके बाद ही उतारूंगी। या खुदा। ए, देखो वो चला गया, अब नीचे उतरे क्या? हाँ, हो सकता है वो यहीं पर कहीं छुपा हुआ हो। मैं जाकर देखता हूँ, तुम यहीं रहना। जनाब ये हुलिया भी हो गया, और कितना बदलना पड़ेगा? हुलिया की बात दफा करो। जब रेनू घबरा कर उतर रही थी तो तुम उसे घूर क्यों रहे थे? मेरी जिंदगी में घूरना ही बाकी रह गया क्या? पता नहीं किस तरफ से कौन सा जानवर आ जाए, डर से पेशाब निकलने वाला था। हुलिया बदल कर देखे तो पता चलेगा। आवाज नीचे करो। मोहब्बत करने वालों की तारीख में तुम्हारे जैसे मददगार ना हो तो सफलता ही नहीं मिलेगी। ये सही है जनाब, मगर बात है अजंता के बुतों से खूबसूरत है जनाब। अभी उनकी तारीफ करनी जरूरी है क्या? अरे तारीफ क्या, ऐसी रंभा की तो इबादत की जाती है। मेरी तो बिन मांगे मुराद पूरी हो गई है। चलती है तो क्या खूब लगती है, नजरें मिलाती है तो मैं मदहोश हो जाता हूँ। पीछे देखिए पीछे। क्या है पीछे? देखिए तो। ये क्या मोहतरमा, मैं आपको पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ बैठकर रो रही हैं? जनाब से मिलवाने की एक तरकीब है मेरे पास। उतरो। ये हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है? क्या मुझे इस जजीरे पे रहना पड़ेगा? अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी। मानना पड़ेगा, आपके पास तो बुलेट है। वंदे मातरम कहने वालों को अंडमान जजीरे पर ले जाते थे, मैंने किताबों में पढ़ा है, आज सामने से देख रहा हूँ। तुम अगर हमारा साथ दोगे तो तुम्हारे और इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। यह हथकड़ी खोलिए तो ही मैं अच्छा करूँगा। हमें इससे क्या बात करनी है, चलिए हम खेमा लगाते हैं जनाब मुस्तफा। खेमा? अरे पुलिस स्टेशन में मुझे मार कर काफी तकलीफ दी थी आपने, अब यहाँ भी तकलीफ देंगे क्या? गुनहगारों को तो आप लोग पार्लियामेंट भेजते हैं और मुझ बेगुनाह को हथकड़ी पहनाई है, इसे खोलेंगे कि नहीं बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अशोक इसके साथ मुजरिमों से सलूक क्यों कर रहे हैं? हथकड़ी खोल दीजिए। नहीं नहीं, ये शादी की पहली रात का दूल्हा लग रहा है, हथकड़ी खोलना बेहद ही खतरनाक होगा। अशोक इससे हमें अपना काम निकलवाना है, इसलिए अच्छी बात नहीं है। मैं हथकड़ी खोल रहा हूँ। ये लीजिए चाबी, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। वाकई इंसानियत तो सिर्फ आप में है, और उन्हें देखिए उनमें जरा भी इंसानियत नहीं है। ओ, ओ,
अशोक, इसने मेरी आंखों में रेत छोड़ दिया। आपकी किस्मत अच्छी है कि इसे मिर्च पाउडर नहीं मिला। तुम पे रहम खा के मैंने तुम्हारी हत्या खोली और तुम फरार होने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे तुम मेरे सामने से फरार हो जाओगे? देखो ये मुझे काट रहा है। ये बहुत भूखा है, आप इसे लजीज लग रहे हैं, आपको खाना चाहता है। अरे वो तो फरार हो गया। फरार होकर आखिर कहाँ जाएगा? जंगल के चारों तरफ समुंदर है, अंधेरा होते ही खेमा ढूंढकर खुद ही वापस आ जाएगा। रुको रुको, जनाब नहीं है। दफ्तर में अगर नहीं है तो फिर कहाँ गए? मालूम नहीं। कस्बे में है क्या? नहीं मालूम। सेलफोन है क्या? मालूम नहीं। सुनिए, उनसे मिलने के लिए किससे मिलना होगा? मालूम नहीं। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? मालूम नहीं। मोहतरमा मेरे साथ चलिए। इसे तो ये भी नहीं होगा इसके वालदेन कौन है। अब क्या करेंगे हम, अब तो तुम्हें ही किसी न किसी तरीके से मालूमात हासिल करनी होगी। आप यहीं रुकिए मोहतरमा। सुनिए जनाब, आपको एक बात पता है? मतलब? अरे यही कि हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं। आप भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आप दिन में ड्यूटी करते हैं, मैं रात में ड्यूटी करता हूँ। इनकी तनख्वाह से तो हमारा गुजर बसर भी नहीं होता है। शराब पिए तो दो रोज, पत्ता खेले तो आधा घंटा। अच्छा अब ये बताइए कि वो कहाँ है? मालूम नहीं। वाकई नहीं मालूम है? वो शायद गोवा गए हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं। अभी मैंने तुम्हारी जेब में कितने पैसे रखे? मालूम नहीं। इसे तो कुछ भी मालूम नहीं। मैं यहाँ क्यों आया, मेरा नाम क्या है? मालूम नहीं। या खुदा, भूख लग रही है। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। इस वीरान जजीरे पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। या खुदा, लगता है भूख से जान निकल जाएगी। पता नहीं ये खाने की चीज है या नहीं। ये अगर जहरीला हुआ तो इस वीरान जजीरे पर पागलों की तरह घूमता रहूंगा। जरूर वो मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है। छी, शायद इसीलिए लगता है वो अपनी दुश्मनी मुझसे निकाल रहा है। या खुदा, ये लोग तो खा पीकर मौज मस्ती कर रहे हैं। मैं क्या करूं? हाँ तो क्या कहा था आपने, चारों तरफ समंदर है, शाम तक लौट आएगा। कहाँ आया? वो क्या हनुमान जी है जो उड़कर समंदर पार कर जाएगा? देखते हैं और कितनी देर घूमता रहता है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये लीजिए आपका खाना। वो भूखा होगा और हम खा लें। आपका दिल कैसे कर रहा है? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इसका स्वाद तो बेमिसाल है। जल्दी शुरू कीजिए, नहीं तो आपकी बिरयानी बेस्वाद हो जाएगी। आपने जो पैकेट रखा था वो कहाँ गया? वही रखा था, अच्छे से देखिए। आपने तो यही रखा था ना? कोई बंदर ले गया होगा। बंदर? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपने कहा कि यही रखा था और अभी आप कह रहे कि बंदर। अशोक देखिए वो वहां है, वो भाग रहा है। पृथ्वी रुक जाओ, पृथ्वी रुक जाओ, पृथ्वी रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ओलंपिक में हमारे लोग कभी गोल्ड मेडल नहीं जीते, इसे देखकर लगता है चार पांच मेडल तो हासिल कर ही लेगा। आपको यहाँ मस्खरी सूझ रही है? क्या हुआ भाई, आपको ठीक से नींद नहीं आ रही? नहीं मोहतरमा, नींद नहीं आ रही है और आएगी भी नहीं। गोवा कब आएगा भाई? गोवा हमारे पास नहीं आएगा, हम गोवा के पास जाएंगे। लगता है कोई स्टेशन है, मैं जाके कॉफी लेकर आता हूँ। वक्त क्या हुआ जनाब, टाइम क्या हुआ है? अजीब किस्म का आदमी है ये तो। Ah.
जाओ। क्या हुआ? रुक जाओ। क्या हुआ? और गोली मार देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ठहरिए, आप लोग कौन हैं? हम आंध्रा से, आंध्रा, आंध्रा, आंध्रा। उनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? चलो पुलिस स्टेशन में जाके बात करेंगे। चलो चलो। कौन हो तुम और तुम कौन हो? गोवा किसके लिए आए हो? चोरी करने, स्मगलिंग करने आए हो? बताओ, दहशतगर्द हो तुम दोनों, बोलो। ये सब गोवा का बिल्टअप है। तस्करी की बात करेगा फिर कहेगा 10 कत्ल किए हो। ऐसा बिल्टअप नहीं करेगा तो हम पैसे थोड़ी देंगे। चलो चलो चलो। तो हर रियासत की पुलिस की यही आदत होती है, ऊपर नीचे इनकी जेबें भरनी होती हैं। यही हकीकत है। निकालिए पैसे, निकालिए। क्या कहा? ये लीजिए जनाब, हम जाते हैं, ये पैसे लीजिए। रिश्वत दे रहे हो मुझे? मुझको रिश्वत दे रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? कांस्टेबल जी जनाब, इस आदमी को फौरन कैद में डालो। जी जनाब, इन दोनों की उंगलियों के निशान लेकर आंध्रा पुलिस को इत्तला करो। जी। पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करो। ले जाओ इनको यहाँ से। उठो, चलो, उठो, चलो, चल, चलो, अंदर चलो, चलो। जाता हूँ जनाब। बैठो यहीं। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से ये हश्र हो गया। क्या बताऊँ मोहतरमा, मुझे लगा चौकीदार की तरह ये भी मान जाएगा। अभी साफ़ से हमें ऊपर वाला भी नहीं जनाब ही बचा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने बॉम्ब फेंकना कब सीखा? या अल्लाह, बॉम्ब से मुझे याद आया, बॉम्ब का तो जिक्र भी नहीं करना है वरना हमारी कब्र यहीं खुद जाएगी। ऐसी हरकतें करेंगे तो जिंदगी जीने की क्या जरूरत और उन्हें ढूंढने की क्या जरूरत? मैं मरना चाहती हूँ। आप ऐसे रोइए मत। बहुत खूब, मैं बेकसूर हूं ये जानकर और सुल्तान मेरी तरह दिखता है इसीलिए मेरी कुर्बानी देकर उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। आपको ये हक किसने दिया? तुम्हारे वालिद ने। वो एक मिलिट्री मैन है और वो अपनी तरह अपने बेटे को भी वतन परस्त बनाना चाहते हैं। ये हक देने से पहले मुझ पर यकीन करने वाली रेणुका के बारे में सोचा है? मेरी पहली रात भी नहीं मनी थी और आप लोगों ने मुझे मेरी बीवी से दूर करने का गुनाह किया है। इसकी सजा आपके बीवी बच्चों को भी मिलेगी। अगर तुमने उनके बारे में एक लफ्ज भी बोला तो न जाने मैं क्या करूंगा। तुम इनके बारे में क्या जानते हो? देश के लिए अपने परिवार की कुर्बानी देने वाले बहादुर हैं ये। एक उग्रवादी की रिहाई के लिए अपनी बीवी बच्चों को मारने की धमकी के बाद भी उन्होंने नहीं बख्शा और अपनी बीवी बच्चों को खो दिया। किस लिए? वतन परस्ती। आपको इससे मिला क्या? आपके घर वाले वापस आ सकते हैं क्या? आखिर आपको मिला क्या? खुद को सुकून। यह खुद से गद्दारी है। नहीं, बेपनाह खुशी। गैर मुल्कियों की सैकड़ों साल तक गुलामी करने वाले हम लोगों को अगर आजादी की लड़ाई में कितने ही वतन परस्तों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम इस तरह चैन की सांस ले रहे होते क्या? क्या किया है हमारी हुकूमत ने उन वतन परस्तों के लिए? सिर्फ 20 सड़क पर बुत बनवाने के अलावा। खुदा की इबादत करते हो वैसे ही उनके बुतों को देखकर हमें उनकी बहादुरी के कारनामों का पता चलता है। लेकिन उनकी ख्वाहिशें हम पूरी कहां कर रहे हैं?
गैर मुल्कियों से कारोबार करने के अलावा रिश्वत को कौम मानने वाले जालिम सियासतदानों को उनकी सजा से बचाने के लिए, उनके पास की जरूरत से ज्यादा पैसों को स्विस बैंक में जमा करने वाले बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए। कल अगर मैं इस मिशन में शहीद हो गया तो मेरे खानदान को आप लोग पालेंगे क्या? सिर्फ एक बहादुरी का मेडल अता कर हाथ झाड़ कर दफा हो जाएंगे? ऐसी बेकार की वतन परिस्थिति के लिए हम अपनी जान दे दें? ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अपने मुल्क के लिए मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ, ये मेरे खानदान को खबर कर दीजिए। जरूर, आज ही मैं गोवा जाकर खबर देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब ये उठ गया। मारो कमबख्त को। इंस्पेक्टर प्लीज मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, मैं हकीकत बताती हूँ, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या तुम सुल्तान की बीवी हो? नहीं, मेरे शोहर का नाम पृथ्वीराज है। तुम झूठ बोल रही हो। कांस्टेबल इन पर भी थर्ड डिग्री अप्लाई करो। नहीं। आप माफ कीजिए रेणुका। जनाब यहाँ मेरा बुरा हश्र हो गया है, 5 मिनट पहले आना था ना, हवालात में बंद करके मार मार के चमड़ी उतार दी है। जनाब इंस्पेक्टर छोड़ दीजिए इन्हें। कांस्टेबल उन लोगों को रिहा कर दो। यस यस हाँ। हिलना नहीं, नहीं सुल्तान को पकड़ोगे तुम? हाँ हिलना मत। हाँ। इतनी जल्दी हाथ आओगे ये कभी सोचा नहीं था सुल्तान। सुल्तान नहीं, मैं हूँ जनाब दोस्त। बहुत खूब पृथ्वी, जबरदस्त। सीआईडी अफसर होने के बावजूद मैं नहीं पकड़ पाया तो वो लोग क्या पकड़ पाएंगे? अब बेशक हम तुम्हें उस मिशन पे भेज सकते हैं। देखो ये गोवा रेलवे स्टेशन से हासिल हुआ सुल्तान का सेल फोन है, इसमें के सारे नंबर को ट्रेस किया गया है, सारे कॉल एक ही नंबर पर किए गए हैं, और वो नंबर वंदना नाम की खातून का है। वंदना और सुल्तान का क्या रिश्ता है ये हमें नहीं मालूम, अब तुम्हें ही उसकी मालूम हासिल करनी होगी। तुम चाल ढाल से सुल्तान ही लग रहे हो। तुम सही निशाने पे लगने वाले हथियार हो। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें हर कदम पर कामयाबी दे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कामयाबी मुल्क के लिए वक्फ है। कहाँ हो तुम? बिल्कुल तुम्हारे रूबरू। वाह, सुल्तान तो असल मर्द है। ये क्या, तुम मुझे देखते ही ऐसे गले मिलते हो कि मेरी हड्डियों का चूरमा बन जाए। अभी ऐसे खड़े हुए हो? ऐसा क्या? मुझे ऐसे उठाकर चारपाई पर लेटा देते थे। ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अब भगवान को सुना रहा हूँ, शौहर बीवी के बीच में ऐसी मकनातीसी कुव्वत क्यों दी? अल्लाह ना कहकर भगवान क्यों कह रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, नहा कर अपना दिमाग ठंडा करो, चलो आओ। अरे बाप रे, हेलो, मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। इस खातून से कुछ नहीं पता चलेगा, सुल्तान के मुतालिक कोई राज पता नहीं कर सकते। किसी तरह से सुल्तान के घर का पता हासिल कर लो। जरूर जरूर, रखता हूँ। किसका फोन था? खुफिया है। क्यों, मूड खराब है क्या? मैं मूड बनाऊं क्या? नहीं, अभी परेशान मत करो, मुझे इसी वक्त घर जाना है। ओके तो चलते हैं। भाई अम्मा, कैसी हो अम्मा? ये क्या हो गया है इसे? क्या अम्मा, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कभी देखा ही ना हो? नहीं कुछ नहीं बेटा, रुको मैं चाय लेकर आती हूँ। इसे ताज्जुब क्यों हुआ? मैं अभी अपना रूप बदलता हूँ। आप कब तशरीफ लाए हैं? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? मेरे घर में आते ही तुम्हें क्या करना चाहिए? शराब पिलानी चाहिए और तंदूरी चिकन बनाना चाहिए और
सिगरेट पिलानी चाहिए। जल्दी जल्दी सारा इंतजाम करो, पहले चाय लाओ। जी जरूर दीजिए अम्मी जान। सुल्तान, मुझे लगा था कि ये सुधर गया, पर ऐसा नहीं है। अरे नूर, पार्सल आया क्या? आपके सामने रखा हुआ है भाईजान। तूने शराब पी है? नहीं भाईजान, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं दुबई में हूँ नूर। मस्खरी मत कीजिए भाईजान, मेरे सामने आप घर के अंदर गए हैं। खामोश। खुदा कसम भाईजान, वंदना भी आपको छोड़कर गई है। वंदना? कौन है? मैं सुल्तान, दुबई से। तुम दुबई से बोल रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा है। हेलो हेलो हेलो, नहीं, नो, नो, नहीं, नहीं। हेलो, वंदना, हेलो, हेलो। ये मर गई। हमें पृथ्वी को तुरंत होशियार करना होगा। जो इस घर में आया था वो मेरी तरह कैसे दिखता है, ये सवाल नहीं करूंगा। मेरी तरह दिखने वाला जो शख्स यहां आया था, उसे मेरी अम्मी और मेरी बीबी होकर भी तुम लोग कैसे नहीं पहचान पाई, ये भी सवाल नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ एक ही हकीकत जाननी है अम्मी, कि वो तुम्हारा बेटा है या फिर मैं उसकी अम्मी का बेटा हूं। क्या ये कोई धोखा है या वाकई वो मेरे जैसा ही दिखता है? जवाब दो, कौन है वो? तुम्हारा भाई है। अब्बू के इंतकाल के बाद पैदा हुआ था या उससे पहले पैदा हुआ था? ए, मैं तेरी वालिदा हूँ। मुल्क से गद्दारी के साथ तूने इंसानियत और कानून को भी धोखा दिया है। अपनी वालिदा को गाली मत दे। खामोश! ये सुल्तान जरा भी जज्बाती नहीं है। गलत करने वाला चाहे माँ हो, बीवी हो या बहन हो, सब खत्म। जवाब दो, वो मेरा भाई कैसे है? तुम दोनों जुड़वा भाई हो। हम लोग एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे। तुम दोनों को दूध ना मिलने की वजह से मरने की हालत हो गई थी। एक फौजी अफसर जिसकी कोई औलाद ना थी, उसने कहा कि आप अपनी औलाद में से एक मुझे दे दो, उसके बदले 1,000 रुपए दूंगा। वो 1,000 रुपए लेकर तुम्हारी परवरिश हमने डब्बे का दूध पिला कर की। शायद इसी वजह से तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है बेटा। शायद मेरी परवरिश में कमी रह गई,
और तुम एक शैतान बन गए। लेकिन उस फौजी अफसर की परवरिश से वो फॉरेस्ट अफसर बन गया। इससे बेहतर होता कि तुम्हारे बजाय उसकी परवरिश करके मैं फख्र से जीती। मुझे जिस बात का खौफ था आज वही हुआ। आप मौत के करीब से लौटे हैं। हर वक्त जहन्नुम की जिंदगी बसर करने से एक बार मरना बेहतर है। मार दीजिए, हम सबको गोली मार दीजिए, मार डालिए, हमें मार डालिए, मार डालिए, मार डालिए। ऐसे बुलाए काफी अरसा हो गया ना, लेकिन भाई ने मेरी आंखें खोल दी। अम्मी, मेरा फर्ज मुझे याद दिलाया। तुम्हें इसी बात का अफसोस है ना कि मैंने ऐसी औलाद क्यों पैदा की, और तुम्हें इसका अफसोस है कि मैं ऐसे शख्स की बीवी क्यों हूं। ऐसे इंसान की जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। छोटे भाई के हाथों मरने से बेहतर है कि उसके रास्ते पर चलकर उसका बड़ा भाई एक नेक इंसान बन जाए। 100 साल जिंदा रहो, ये अम्मी की दुआ लेने वाला बेटा बनकर जीऊंगा मैं। अपने शौहर को देखकर बीवी को फक्र हो, मुझ पर उसका यकीन हो, ऐसी जिंदगी जीऊंगा मैं। रेवती, गलत तरीके से कमाया हुआ यह सोना हीरा सब उनके सुपुर्द कर दो। मैं हथियार डाल दूंगा, मैं खुद जा सकता हूं, लेकिन वो मुझे देखते ही गोली मार देंगे, मौत के खौफ से नहीं। मैंने आप लोगों के लिए अपनी जिंदगी जीने का फैसला कर लिया है। अब मेरी जान को कोई खतरा ना हो, इसलिए यह जानकारी लेकर जाओ। कुछ रोज के लिए मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ, फिर हम सब खुशी खुशी जिएंगे। हमारी इस खुशी में हमारा भाई भी शरीक होगा। अब हम सब मिलकर रहेंगे। यह सुल्तान की बीवी है, उसे अंदर आने दो। अप्रूवर बनकर आई हो क्या? नहीं, मेरे शौहर हथियार डालने के लिए राजी हैं। इसमें उनके गलत तरीके से कमाए हुए सोना और हीरे मौजूद हैं। रुकिए, खुद ना आकर उसने तुम्हें क्यों भेजा? नजर आते ही आप उनको गोली मार देंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अगर आप उन्हें माफी की सौगात देंगे तो वो हथियार डाल देंगे। डाकू, लुटेरे, नक्सलाइट, दहशतगर्दों के लिए ये खेल बन गया है। माफी की सौगात की शर्त रखते हैं। पहले तुम अपने शौहर को हथियार डालने के लिए कहो, उसके बाद क्या करना है ये बाद में देखेंगे। तुम्हारी बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सोने के गहने, ये सब हमने नहीं मांगे। अपने शौहर को हथियार डालने के लिए कहो। मेरे शौहर पर आपकी नजर पड़ी तो मेरा ये हाल हो जाएगा। आप पुलिस वालों की उनके साथ कितनी दुश्मनी है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। सिर्फ एक नहीं, हजारों गोली उनके जिस्म में उतार देंगे, फिर भी गुस्सा कम नहीं होगा। ये औरत जो कह रही है ये सच है या झूठ है, ये जानने के लिए हमें पता करना चाहिए कि सुल्तान ने सोना और हीरा भेजा है कि नहीं। She is pregnant. मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उस जालिम का बच्चा मेरी कोख में नहीं पलना चाहिए। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तुम्हें इस बच्चे को मार के कोई फायदा नहीं होगा। अभी होने वाली सारी बर्बादी की वजह वो सुल्तान है। वो अब खुद अपनी बीवी को भी तकलीफ देने लगा। देखा, उसने हमारे साथ तुम्हें भी खत्म करने की कितनी बड़ी साजिश की थी। अगर तुम्हारे पास उसे पकड़वाने के लिए कोई सुराग है तो बताओ। मैं वाकई नहीं जानती जनाब, वो कब आता है और कब जाता है किसी को नहीं पता होता।
अम्मी को अम्मी और बीवी को बीवी उसने कभी नहीं समझा। उसने खुद मुझे गाड़ी में लाकर रास्ते में ऑटो में बिठाकर आपके दफ्तर भेजा था जनाब। कम से कम उसका फोन नंबर या मोबाइल नंबर तो पता होगा। फोन नंबर? वो बार बार एक नंबर पे कॉल किया करता था। फोन नंबर याद है? नंबर 25 मस्जिद गली। जनाब अशोक, उसका मिशन नाकामयाब हो गया, ये खबर उसे हो चुकी होगी। मैं अभी वहां जाके देखता हूँ कोई सुराग मिलता है या नहीं। आप हेडक्वार्टर जाके फॉलो कीजिए। हमें अंदर की सारी खबर चाहिए। ये लो माइक, इसे तुम हमें खबर करना, हम इंतजार करेंगे। भाभी आइए, भाभी तशरीफ लाइए। वो कहाँ है? कुछ गड़बड़ा। ये क्या, अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाया, तुम मुझे भाभी कहते हो, लेकिन तुमने मेरे पेट में चाकू मार दिया। Thank you.
जनाब, 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 दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन तुमने कहा था कि अगर तुम शहीद हो गए तो बहादुरी के मेडल अता कर मैं जुदा हो जाऊंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई। अशोक, मुझसे वादा करो, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी हमारा मिशन बंद नहीं होगा। मिशन जारी रखना, मिशन जारी रखना। भारत माता की जय। हाँ हाँ आती हूँ आती हूँ। बेटा, मेरा बच्चा, बेटा तुम आ गए। बेटी रेणुका, देखो कौन आया है। सुनिए जी, हमारा बेटा आ गया। बेटा तुम्हें बुरी नजर लगी होगी। बेटी जल्दी जाकर हल्दी का पानी लेकर आ, बेटी की नजर नहीं, वक्त नहीं है। सुल्तान की बीवी की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ ये जानकर उसने मेरी बीवी को मारने की कसम खाई है। ये खबर मुझे अभी मिली है। कम ऑन, चलो जल्दी करो, एक हफ्ता तुम्हें गायब रहना होगा। बेटा अभी अभी तो आए। नहीं, फिलहाल कुछ मत कहिए, मेरे पास वक्त नहीं है। पर कपड़े? मैं इंतजाम कर लूंगा, चलो जल्दी करो। अरे बेटा, अम्मा, 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 बेटा तुम वापस आ गए? ये अपना कोई सामान भूल गया होगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? रेनू, रेनुका, तुम ही तो उसे लेकर गए थे। किसे? रेनुका? हाँ। को मैं लेकर गया? हाँ बेटा, तुम ही तो लेकर गए। बोल, सुल्तान कहाँ है? रेनुका को तूने कहाँ छुपाया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हेलो। जनाब अशोक, कॉल ट्रेस करो। कॉल की जानकारी लेने के लिए कॉल ट्रेस करने को कह रहे हो? पृथ्वी की बीवी का तूने क्या किया? उसकी इज्जत लूटने के लिए नहीं लाया हूँ। अगर नूर को आज नहीं छोड़ा तो मैं इसकी जान ले लूंगा। सुल्तान, तू मेरा भाई है, मेरा अपना भाई। कल मैं इस मुल्क का सुल्तान बनूंगा। उस सुल्तान के भाई हो तुम। उन लोगों का साथ देकर तुम्हें क्या हासिल होगा नामाकूल? नूर को रिहा करवा दो। जिसने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया उसकी रिहाई चाहते हो? जिसने मुझे पकड़वाने की कोशिश की वो मेरी बीवी कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें भाई समझकर मैं माफ कर दूंगा? तुम्हारी बीवी की बोटी बोटी काट कर पेटी में डालकर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास। नहीं, तुम नूर की रिहाई चाहते हो ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नूर की रिहाई नहीं, उसके साथ 1,000 करोड़ भेजने होंगे। हिंदुस्तानी रुपये नहीं, मुझे अमेरिकन डॉलर्स चाहिए। 100 मिलियन डॉलर लेकर तुम क्या मुल्क छोड़कर फरार होना चाहते हो? है? मैं ये मुल्क क्यों छोड़ूंगा? मुझे तो इस पर हुकूमत करनी है। फिर तुम, तुम्हारी फौज, तुम्हारी पुलिस, सबको मुझे सलाम करना होगा। तुम ख्वाब देख रहे हो। बहुत गुफ्तगु हो गई तुमसे। नूर के साथ 1,000 करोड़ कहाँ भेजना है ये बताऊंगा। 24 घंटों का वक्त है। अगर राजी नहीं हुए तो देश के सियासतदानों को मिसाइल से उड़ा दूंगा मैं। अबे ओ, क्या सोच रहा है? दे पैसा दे। Oh, my God.
अशोक साहब कहाँ जा रहे हैं आप? हेडक्वार्टर में पैगाम देने के लिए। क्या कहेंगे? स्पेशल कमांडोज भेजने के लिए कहूँगा। आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ हुक्म देने वाला मैं हूँ। उसके कब्जे में मेरी बीवी है। हमारे लिए हमारा मुल्क अहमियत रखता है, तुम्हारी बीवी नहीं। अशोक साहब, अशोक साहब, फायर। अभी भी आप जाना चाहते हैं क्या? नहीं, कुछ मत बोलो, हम दो ही काफी हैं। बशीर, बशीर सुन रहे हो? अरे कुछ बोलो यार, क्या हुआ यार? अरे कुछ तो बोलो, कुछ गड़बड़ है जनाब। एए, तुम्हारी रेनू मेरे कब्जे में है, हथियार डाल दो नहीं तो इसे खत्म कर दूंगा। सुनिए, बुलाओ, जोर से बुलाओ, बुलाओ, छोड़ो मुझे, जोर से बुलाओ, मुझे बचाइए। पृथ्वी, तुम इस जानिब जाओ, मैं उस जानिब जाता हूँ। अशोक साहब, क्या आप मेरी बीवी के लिए हथियार डाल रहे हैं? बीवी बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है, इससे अच्छी तरह से वाकिफ हूं मैं। जनाब अशोक, खुदा हिफाजत करे। आइए आइए जनाब अशोक, आइए तशरीफ लाइए, आइए। रेणुका को रिहा कर दो। हाँ? मेरा हम शक्ल कहाँ है? अल्लाह को प्यारा हो गया? तुम निहायत हिम्मत वाले हो। हर भारतीय हिम्मत वाला है। मैं भी तो भारतीय हूँ। नहीं, जिस रोज तुमने दुश्मन मुल्क से हाथ मिलाया उसी दिन अपने आप को भारतीय कहलाने का हक खो दिया। समझा, तुम इस मुल्क को बेहद पसंद करते हो। मेरे जिस्म को काट कर मेरे खून से पूछोगे या मेरा सीना चीर कर मेरे दिल से पूछोगे तो वो भी यही कहेगा। क्या दिया इस मुल्क ने? करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी, लाखों औरतों को तवायफ बनाया, गैर मुल्की लोग तुम्हारे सर पर नाच रहे हैं, यहाँ प्याज खरीदने पर भी टैक्स लगता है। तुम लोग ऐसे मुल्क से मोहब्बत करते हो क्या? ये मुल्क वो मुल्क है जहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियाँ पैदा हुई हैं। गुंडे बदमाश इलेक्शन में जीत कर नाकाबिल लोग वजीर बन जाते हैं और तालीम याफ्ता और आला अफसर उन सियासतदानों को सलाम ठोक रहे होते हैं। नहीं, इसीलिए आपको तब्दीली लाना जरूरी है। कल मैं इस मुल्क का सुल्तान बनूंगा तो काला बाजारी को खत्म कर दूंगा, चोरी करने वालों की चमड़ी खिंचवा दूंगा, रेप करने वालों को सूली पर चढ़वा दूंगा। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं ना, फिर से वही वक्त लाऊंगा। राशन के लिए सड़क पर कतार में नहीं खड़ा होना होगा। मैं दोनों हाथों से रियाया में दौलत लुटाऊंगा। तब तक ये मुल्क सलामत रहेगा तब ना? क्यों नहीं रहेगा? मैं इंसानों को खत्म करूंगा लेकिन इस मिट्टी को नहीं। तुम मुगालते में हो, ये सब दिन के ख्वाब हैं।
तुम जिनका साथ दे रहे हो ना, वो हिंदुस्तान की बर्बादी चाहते हैं, बर्बादी। दुश्मनों से हाथ मिलाया है तुमने, यहां मिसाइल लगा रखी है जिसके खास निशाने पर मुल्क के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहर हैं। इन खास शहरों को तबाह करना चाहते हैं ये लोग। अगर यकीन नहीं होता है तो तुम खुद इनसे पूछ लो। बोलो भाई, बोलो, अल्लाह के वास्ते बोलो, तुम मुझे सुल्तान बनाओगे लेकिन इस मुल्क को तबाह नहीं करोगे, बोल दो। बस अगले 10 मिनट में तुम्हारे मुल्क को हम तबाह कर देंगे। नहीं, 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 मैं नहीं मानूंगा। इतनी सी उम्र में मैं गांव से भागकर ट्रेन पकड़कर आपके साथ आ मिला था। तब से लेकर आज तक मैं आपके साथ साये की तरह इसलिए साथ हूँ, हाँ, क्योंकि तुम सुल्तान हो, जोर जोर से मेरे कानों में कहते थे। अब ये क्या करने को कह रहे हो? अगर आप शहरों को तबाह कर दोगे तो क्या मैं कब्रिस्तान पर हुकूमत करूंगा, लाशों की गद्दी पर बैठूंगा? जवाब दो, जवाब दो। फिर मेरे खाते क्या बचेगा? बंजर जमीन, वीरान शहर। मैं खून पीने वाला हैवान बन गया था, इंसानियत का दुश्मन बन गया था मैं। इस मुल्क में एक ही सुल्तान होगा और उसी की हुकूमत होगी, ऐसा कहा था। अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। सुल्तान, Oh!
अम्मा अम्मा चले जाइए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये बेहद खतरनाक है, जाइए, आपकी जान भी जा सकती है। मेरी मौत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सांप भी तो अपने बच्चों को ही खा जाता है ना, तो इस मुल्क को तबाह करने वाले सांप की तरह है, तेरी जान ले लूंगी मैं। तुमने जल्दबाजी कर दी, इस बम के बारे में जानने के बाद इस शेर ने अपनी फितरत बदल दी, सुल्तान मर गया अम्मा, वो मुझे सुल्तान नहीं बनाना चाहते, अब इसका इल्म होने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ, हाँ यकीन करो अम्मा। सुल्तान रुकिए, करीब मत आइए, मत आइए, मेरी वजह से ये मुल्क तबाह नहीं होगा, लेकिन अगर ये रहा तो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, इसे कैसे खत्म करना है, इस जालिम को कैसे मारना है, मुझे बखूबी इल्म है, मैं सब जान गया हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।